सबको हेलो, वेलकम टू झा किचन। आज झा किचन में चॉकलेट केक बनने वाला है, तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कैसे बनाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, और कट करने से ही आपको पता चलेगा ये कितना अच्छी तरह से कट रहा है। ये देखिए इसकी पीस, तो अगर आप भी इस तरह का केक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इस छोटे से मोल्ड में बना रही हूँ, ये जो छोटा मोल्ड है ना, बस इसमें ही बना रही हूँ मैं चॉकलेट केक। छोटा बर्तन लिया है इसलिए मैंने इंग्रेडिएंट्स भी कम कम लिए हैं, तो माप भी मैंने छोटे कप से लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप मैदा, एक कप शुगर पाउडर, आधा कप दही, आधा कप दूध। ये देखिए ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, क्योंकि हमने मैदा एक कप लिया था ना, तो उसके साथ ये 1/4 कप ऑयल जाएगा। और ऑयल जो भी लेंगे ना वो नेचुरल फ्लेवर का लेंगे, जो भी हम नॉर्मल रिफाइंड ऑयल घर में पूरी वगैरह तलने के लिए यूज करते हैं ना, बस वही वाला, कोई भी सेंटेड ऑयल नहीं लेना है। तो 1/4 कप ऑयल जाएगा एक कप मैदा में, एक छोटा चम्मच विनेगर, थोड़ा सा वनीला एसेंस, और चॉकलेट केक बना रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा कोको पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है इनो का पैकेट। तो आज हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जगह इनो का यूज करके बनाएंगे केक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम ले लेंगे एक बोल या बर्तन, जो भी थोड़ा बड़ा जिसमें हम मिक्स कर सकते हैं बैटर को, उसके ऊपर रख देंगे एक छन्नी। अब क्या करेंगे, ये मैंने डाला इसमें एक कप मैदा, ये डाला एक कप शुगर पाउडर, दोनों को हम छान लेंगे। साथ ही हम इसमें लेंगे एक छोटा चम्मच कोको पाउडर। मैं छोटा केक बना रही हूँ ना इसलिए कोको पाउडर थोड़ा कम ली हूँ, अगर आप बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा लेना पड़ेगा। सबको साथ में चीनी पाउडर, मैदा और कोको पाउडर, तीनों सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले छान लेंगे। ये देखिए ये मेरा छन चुका है, और ये जो हार्ड वाला पार्ट इसमें बच गया है इसको हम अलग रख देंगे। ये देखिए ये कोको पाउडर, चीनी पाउडर और मैदा तीनों भी छन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, आधा कप दूध, ऑयल डालेंगे, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा वनीला एसेंस 4-5 ड्रॉप, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। विस्कर या स्पून की सहायता से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। देखिए मैंने चॉकलेट केक के मिक्सचर को
अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसमें कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने फेंट लिया है। अभी इसको हम रख देंगे साइड में। इस केक टिन जिसमें हम केक बनाने वाले ना, उसको हम ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगाएंगे। तो ग्रीस करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हाथ से या ब्रश से इस तरह से बीच में भी और साइड में भी फैला लेंगे, जिससे हमारा केक इजिली निकल पाएगा। ये देखिए मैंने ग्रीस कर लिया इसको तेल ऑयल से। अब इस पे इसमें डालेंगे, इसी शेप का मैंने बटर पेपर कट करके रखा है राउंड शेप का, तो वो हम डाल देंगे इसके बीच में इस तरह से। ये देखिए मैंने बीच में बटर पेपर लगा दिया। अभी हम इसके साइड में भी इस तरह से बटर पेपर लगाते जाएंगे। चारों साइड को अच्छी तरह से बटर पेपर से कवर कर लेना है। ये ऑयल लगाई हुई बर्तन में, इसलिए इजिली इसमें चिपक जाएगा बटर पेपर। तो ये देखिए, ये मैंने बटर पेपर से इस बर्तन को कवर कर लिया है। अब हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, ये जो हमारा बैटर तैयार करके रखा हुआ ना, इसमें हमको डालना है एक चम्मच छोटा, इस चम्मच की जितना मैंने छोटा ग्लास यूज किया है ना केक बनाने के लिए, सारे इंग्रेडिएंट्स, तो चम्मच भी छोटा ही लेंगे। इस चम्मच से लगभग एक चम्मच विनेगर डालेंगे और इस विनेगर के ऊपर हम डाल देंगे सोडा और बेकिंग पाउडर की जगह हमने आज इनो का यूज किया है। ये देखिए, ये डालने के बाद बस हमको 1/3 स्पून लेना है, क्योंकि हम छोटा केक बना रहे हैं ना। ये डालने के बाद कितना अच्छी तरह से ये झाग बन रहा है इसमें, ये देखिए ये बबल्स बन रहे हैं इसमें। तो इसको हम मिला देंगे, ज्यादा मिक्स नहीं करना है, जस्ट हमको मिलाना है इसको। ये देखिए हमारे मिक्सचर का टेक्सचर, ये अभी विनेगर डालने के बाद एकदम परफेक्ट हो गया है। पहले थोड़ा स्टिफ था, अभी विनेगर डालने के बाद परफेक्ट टेक्सचर हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको केक टिन में कर देंगे ट्रांसफर, इस तरह से सारे चॉकलेट केक के बैटर को इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने एक कुकर को मीडियम आंच पे 3 मिनट के लिए गरम होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का एक कटोरा प्लेट कुछ भी हम रख देंगे क्या करके इस तरह से, और इसके ऊपर हम केक वाला बर्तन डाल देंगे। थोड़ा सा बैटर वाले बर्तन को हम टैप कर देंगे, जिससे ये एक सामान सब जगह फैल जाए। अब इसको हम डाल देंगे कुकर के अंदर। ये देखिए, ये मैंने कटोरी जो रखा था ना, इसके ऊपर ये केक का बर्तन डाल दी। अब इसका हम कुकर का लीड लगा देंगे और हमको ध्यान रखना है कि इसका हम सीटी खोल देंगे कुकर का। तो अब इसको 20 से 25 मिनट की खोल देंगे कुकर का। तो अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। 2 मिनट तक मीडियम आंच पे, 2 मिनट के बाद आंच धीमी करके 20 मिनट तक पकने देंगे और फिर चेक करेंगे। ये देखिए, अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस केक को चेक करने वाले हैं, ये हुआ या नहीं। तो लीड को हटाते हैं। देखने से तो लग रहा है ये परफेक्ट बना है, फिर भी हम एक बार नाइफ डाल के बीच में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने नाइफ को डाला और इसमें केक थोड़ा भी चिपका नहीं है। वैसे भी ये हाथ से ही छूने से लग रहा है। ये देखिए, जब मैं इसको टच कर रही हूं ना, ये देखिए मेरे हाथ में कुछ भी चिपक नहीं रहा है।